हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। ये डिजाइन सिर्फ 12 रोज का डिजाइन है। आपको 1 से 12 रोज तक ही रिपीट करना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 2 प्लस 2। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। रॉन्ग साइड पर आपको सब उल्टा बुनना है। रॉन्ग साइड रोज इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 11 प्लस 2 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच करके टोटल 26 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में एक फंदा को इससे स्लिप करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा उल्टा बुनना है, एक दो, फिर धागा पीछे करना है। अब चार फंदा को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब पीछे से एक बार एन ओवर करना है। अब दो फंदा को स्लिप करना है इसे, एक दो। अब ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है। दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। फिर एन ओवर करना है पीछे से, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर लास्ट में तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से एक बार रिपीट करना है। यहाँ पर धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। फिर एन ओवर करना है इसे पीछे से। अब दो फंदा को स्लिप, एक दो। अब दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है। फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा एज स्टिच। इसको धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो, थर्ड रो राइट साइड। फर्स्ट में एक फंदा को इसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागे को पीछे करना है। अब दो फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ पर इस दो फंदों को एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से। फिर एन ओवर करना है एक बार पीछे से, फिर एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर करना है इसे पीछे से। अब यहाँ पर दो फंदों को स्लिप करना है इसे, एक दो। अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है। दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। ये रिपीट करना है।
फिर से एक बार रिपीट करना है यहाँ पर, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा, एन ओवर, दो फंदा का स्लिप, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है। फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा आगे करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, अब फोर्थ रो। फोर्थ रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ रो। फिफ्थ रो राइट साइड फर्स्ट में एक फंदा का स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद इस धागे को आगे करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागे को पीछे करना है, फिर एक फंदा सीधा, अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है इसे सीधे से, अब एन ओवर करना है एक बार पीछे से, अब तीन फंदा सीधा है, बीच का तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन, अब फिर एन ओवर करना है पीछे से, अब दो फंदों को स्लिप करना है इसे, एक दो, अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदों को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर से एन ओवर, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। ये रिपीट करना है आपको, फिर से रिपीट करना है एक बार लास्ट। धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, बीच का ये तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर से एन ओवर, फिर दो फंदों का स्लिप, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, इस तीन फंदा को धागा आगे करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनना है। ये रिपीट करना है आपको। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब सेवेंथ रो। सेवेंथ रो राइट साइड एक फंदा को स्लिप करना है इसे, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे करना है, अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है इसे सीधे से, फिर एन ओवर करना है एक बार इसे, अब पांच फंदा सीधा है, बीच का पांच फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार पांच, फिर एन ओवर करना है, अब दो फंदों को स्लिप करना है इसे, एक दो, अब ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है स्लिप फंदों को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना सीधे से, फिर एन ओवर, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच,
फिर एन ओवर, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है बैक लूप से, यही रिपीट करना है, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे दो फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे से, फिर एन ओवर, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एन ओवर, फिर दो फंदों को स्लिप करना है, एक दो, अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लूप से, यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा आगे दो फंदा को उल्टा बुनना है, एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा। सेवेंथ रो कंप्लीट कर लिया है, एट रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब नाइन्थ रो, नाइन्थ रो राइट साइड एक फंदा को ऐसे स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागे को पीछे करना है, अब नौ फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर नौ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये रिपीट करना है आपको, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे नौ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनना है। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब टेंथ रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टेंथ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब इलेवेंथ रो, इलेवेंथ रो राइट साइड एक फंदा को ऐसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, इस एक फंदा स्लिप करने के बाद धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागे को पीछे करना है, अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, अब यहाँ पर इस धागे को पीछे कर रखना है, अब यहाँ पर ए होल से इस तीन होल से एक दो तीन, ये तीन होल से आपको एक एक फंदा ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा फंदा निकालना है, फर्स्ट में इस फर्स्ट फंदा को सॉरी इस होल से एक फंदा इसे निकालना है, इसे अब इस फंदा को लेफ्ट में लेना है, अब इस फंदा को सीधा बुनना है, एक फंदा इसे, अब सेकेंड होल से भी एक फंदा निकालना है इसे, अब इस फंदा को इसे सीधे से ऐसे बुनना है, दो, अब इस थर्ड होल से निकालना है इसे एक फंदा, अब इस फंदा को सीधा बुनना है इसे, आपको ऐसे ही आपको इस थर्ड होल से ऐसे एक्स्ट्रा फंदा निकालना है, अब एक फंदा सीधा बुनना है।
अब फोर्थ चार होल से भी आपको ऐसे ही एक फंदा निकालना है, एक्स्ट्रा फंदा, एक दो तीन चार, इस फोर्थ होल से भी ऐसे एक फंदा ऐसे निकालना है। अब इस फंदा को भी सीधा बुनना है। अब इस होल से भी निकालना है। अब इस फंदा को भी सीधा बुनना है। इसे आपको सब होल से एक एक फंदा निकालना है। लास्ट इसे आपको ये करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसे सात सेवेंथ होल से एक एक फंदा निकालना है। फिर इसको ऐसे टर्न करना है। अब यहाँ पर आपको आठ फंदा को आपको यहाँ पर उल्टा बुनना है। आठ फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टे से। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात ये आठ, इस आठ फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टे से ऐसे। फिर आगे टर्न करना है इसको ऐसे। देखिए, अब एक फंदा को इस एक फंदा को सीधा बुनना है। अब चार फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार, यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है। दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। फिर आपको यहाँ पर सेवेंथ होल से एक एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा निकालना है। फिर उस आठ फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टे से, यही करना है आपको। फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, यही रिपीट करना है। फिर से एक बार लास्ट रिपीट करना है। धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर धागा पीछे, फर्स्ट में चार फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार, फिर धागा पीछे का रखना है। अब इस फर्स्ट होल से एक फंदा एक्स्ट्रा निकालना है इसे। अब इस एक फंदा को सीधा बुनना है। अब सेकेंड होल से एक फंदा निकालना है। अब इस फंदा को सीधा बुनना है। सेकेंड होल से हो गया। अब थर्ड होल से फिर इस फंदा को भी सीधा। तीन होल से एक्स्ट्रा फंदा निकालने के बाद एक फंदा सीधा बुनना है। फिर से अब इस फंदा को इस होल से एक फंदा निकालना है। इसे अब इस फंदा को सीधा बुनना है। और फिर से अभी लास्ट होल इसे ही करना है आपको। इस होल से एक एक फंदा निकालना है एक्स्ट्रा फंदा। फिर इसको टर्न करना है। अब यहाँ पर आठ फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदा को एक फंदा बनाना है।
से फिर से इसको टर्न करना है आगे। अब एक फंदा इस एक फंदा को सीधा बुना है। अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। फिर आपको लास्ट में तीन फंदा बचेगा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, सॉरी दो फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। एट 11 रो कंप्लीट कर लिया है। अब 12 रो, 12 रो रंग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ट्वेल रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ट्वेल रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा। आपको 1 से 12 रो तक ऐसे ही रिपीट करना है। फिर से यहाँ से आपको रो 1 से स्टार्ट करना है। फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।